हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप फोर बेस्ट एंड तगड़े फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन अंडर 30,000। फिलहाल अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे एक ईयर एंड सेल चल रहा है, तो सभी स्मार्टफोन आपको काफ़ी सस्ते में देखने को मिलेंगे। वैसे तो जो ये चारों स्मार्टफोन है वो 35,000 के करीब में आते हैं, बट अभी के टाइम पर ये चारों स्मार्टफोन आपको 30,000 में देखने को मिलेंगे। अब मैं बताता हूँ कि इन चारों स्मार्टफोन आपको जो टॉप लेवल का स्पेसिफिकेशन हो क्या क्या देखने को मिलेगा हमारे वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर आपको 12 GB का बड़ा रैम मिल जाएगा, 256 GB का बड़ा स्टोरेज मिल जाएगा, तगड़ी गेमिंग के लिए स्नैपड्रैगन 888 का 5G चिपसेट, मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100U का 5G चिपसेट, जिससे कि आप हाई लेवल की गेमिंग कर सको। 5000mAh का बड़ा बैटरी, उसको तेजी से चार्ज करने के लिए 80W का इनबॉक्स चार्जर भी होगा। टॉप लेवल का कैमरा, जिससे कि आप हाई लेवल की फोटोज क्लिक कर सको, एकदम DSLR लेवल का आपको कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। 11 5G बैंड का सपोर्ट होगा, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर हो सिक्योर हो जाएगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो होगा ही, 120Hz का रिफ्रेश रेट तो होगा ही। 1300 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा, जिससे ब्राइटनेस को लेकर आपको आउटडोर में कोई भी इशू नहीं होगा, मतलब कि कितना भी सनलाइट हो लेकिन आपका जो डिस्प्ले वो दिखाई देगा आपको। इन डिस्प्ले लॉक भी मिल जाएगा, मतलब कि जो जो स्पेसिफिकेशन आप एक्सपेक्ट करते हो 30,000 के अंदर, उससे नेक्स्ट लेवल का स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एन टाइम, और आप भी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो जो हमारे लिस्ट में चौथे नंबर में रैंक करता है, वो सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G। अगर आपको 30,000 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। गाइस, अगर आपको एकदम टॉप लेवल का कैमरा चाहिए, जिससे कि आप ब्लॉगिंग कर सको या फिर यूट्यूब कर सको, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो। काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये स्मार्टफोन IP68 सर्टिफाइड है। हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिलता है, मतलब इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो या फिर 1 SIM+1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलेगा। फोन को अनलॉक करने के लिए इन डिस्प्ले लॉक है, और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। 4500mAh का बैटरी दें, इसको चार्ज करने के लिए 25W का छोटा सा इनबॉक्स चार्जर भी है। गाइस, जो सैमसंग का डाउनग्रेड है वो उनका चार्जर होता है, काफ़ी कम वाट का चार्जर जो है वो लोग देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट हाइलाइटेड फीचर के बारे में, यानी कि इसके कैमरे के बारे में। तो इसमें लगा है 12 MP, जिसमें लगा OIS का सेंसर, प्लस 8 MP प्लस 12 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा है 32 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 4K वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा इसमें आपको एकदम टॉप लेवल का मिल जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 30 से 35,000। गाइस, 12 MP का कैमरा है, तो आप ये मत समझना कि इसका जो कैमरा परफॉर्मेंस वो खराब होगा, वन ऑफ द बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले भी इसमें आपको एकदम टॉप नॉच का मिलेगा। इसमें लगा है स्नैपड्रैगन 865 का 5G चिपसेट, ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है। ये जो स्मार्टफोन टोटल 11 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर हो सिक्योर हो जाएगा। गाइस, इसके भी 8128 का जो प्राइस है वो 35,000 रुपये, बट 4,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे, एंड टोटल 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके पास SBI का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो। और गाइस, अगर आपके पास SBI का डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं है, देन आप अपने दोस्त से या फिर रिलेटिव से जुगाड़ कर लो। देन इफेक्टिवली इसके 8128 वाला वेरियंट है, आपको 30,000 में देखने को मिलेगा। और 30,000 के अंदर अगर आपको एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर रैंक करता है वो रियलमी की तरफ से Realme GT 2 5G। इसका भी जो प्राइस है वो 35,000 के करीब है, बट अभी के टाइम पर ये भी स्मार्टफोन आपको 30,000 में देखने को मिलेगा। अगर आपको स्नैपड्रैगन 888 वाला एक तगड़ा स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। इसमें भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, इसमें आप 3.5mm का हेडफोन जैक नहीं लगा सकते। इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो, बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। फोन कॉल करने के लिए इन डिस्प्ले लॉक है, और ये जो स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। 5000mAh का बैटरी, उसको तेजी से चार्ज करने के लिए 65W का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट हाइलाइटेड फीचर के बारे में। तो इसमें लगा स्नैपड्रैगन 888 वाला 5G चिपसेट। गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको एकदम हेवी लेवल का मिल जाएगा, एकदम नेक्स्ट लेवल की गेमिंग कर सकते हो।
ये जो स्मार्टफोन टोटल 11 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर है सिक्योर हो जाएगा। 6.62 इंच का फुल HD प्लस E4 AMOLED डिस्प्ले दिया 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 1300 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी है। डिस्प्ले का क्वालिटी एकदम टॉप नॉच का है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50 MP जिसमें लगेगा सोनी MX766 का सेंसर प्लस 8 MP प्लस 2 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके फ्रंट वाले कैमरे में सोनी MX471 का सेंसर भी देखने को मिल जाता है। गाइस इसके बैक से आप 4K वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080 वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8128 का जो प्राइस है वो 35,000 रुपये, 5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप UPI से पेमेंट करते हो तो। देन इफेक्टिवली इसके 8128 वाला वेरिएंट आपको 30,000 में देखने को मिलेगा और 30,000 के अंदर अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज वाला एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। हमारी लिस्ट में सेकंड लास्ट नंबर में रैंक करता है वो OnePlus की तरफ से OnePlus 10R 5G। अगर आपको एक OnePlus ब्रांडिंग वाला एक प्रीमियम स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। ये स्मार्टफोन भी काफ़ी कंप्लीट पैकेज स्मार्टफोन है। वैसे तो इसका भी जो प्राइस है वो 35,000 के करीब में है बट फिलहाल आपको 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा देन ये भी स्मार्टफोन आपको 30,000 में देखने को मिलेगा। गाइस ये सभी स्मार्टफोन से अलग आता है, मतलब कि इसका जो डिज़ाइन है वो यूनिक डिज़ाइन है। इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है। 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। फोन को अनलॉक करने के लिए इंडस्ट्रियल लॉक है और ये स्मार्टफोन AutoDOS Android 12 के साथ आता है। 5,000 mAh का बैटरी टाइम इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 80W का इनबॉक्स चार्जर भी है। गाइस 30 से 35 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है और एक दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से इससे मिल जाएगा। 6.7 इंच का फुल HD प्लस 10-bit फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले दिया है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 1000 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। साइज, ब्राइटनेस, कलर सब कुछ एकदम बेस्ट लेवल का मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50 MP जिसमें लगेगा सोनी MX766 का सेंसर प्लस 8 MP प्लस 2 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा 16 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके फ्रंट वाले कैमरे में आपको सोनी MX471 का सेंसर देखने को मिलेगा। इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080 वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा इसका डे लाइट में जबरदस्त परफॉर्म करता है बट प्राइस के अकॉर्डिंग लो लाइट में इसका जो कैमरा है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है और OnePlus को इसमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात है कि इसमें लगा MediaTek Dimensity 8100U का 5G चिपसेट और जो ये जो चिपसेट है वो Snapdragon 888 के बराबर है। परफॉर्मेंस इसमें आपको एकदम हेवी लेवल का मिल जाएगा, मतलब कि इससे आप एकदम नेक्स्ट लेवल की गेमिंग कर सकते हो। ये जो स्मार्टफोन टोटल 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसका 8128 का जो प्राइस है वो 35,000 रुपये, 5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपके पास ICIC का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो, और अगर नहीं है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप अपने दोस्त से या फिर रिलेटिव से जुगाड़ कर लो। अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड में और हम लोग बात करेंगे पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। अब बात कर लेते हैं पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में पहले नंबर में रैंक करता हुआ है IQ की तरफ से IQ9SE 5G। इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 888 वाला फ्लेक्सी प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड इसका भी जो प्राइस है वो 35,000 के करीब में है बट अभी के टाइम पे ये भी स्मार्टफोन आपको 30,000 में मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन एकदम बेस्ट बजट फ्लेक्सी किलर स्मार्टफोन है। इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते, नहीं 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। डुअल स्टोरेज स्पीकर है। सबसे अच्छी बात है कि जो फोन को अनलॉक करने के लिए इंडस्ट्रियल लॉक मिल जाता है और ये स्मार्टफोन AutoDOS Android 12 के साथ आता है। 4500 mAh का बैटरी है, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 66W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.62 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 1300 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड स्काउट सेंसेशन ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। डिस्प्ले में आपको काफ़ी तगड़ा मिल जाता है। इसमें लगा स्नैपड्रैगन 888 वाला 5G चिपसेट, वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा अंडर 30 से 35,000। इसके परफॉर्मेंस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये जो स्मार्टफोन टोटल 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 48 MP जिसमें लगा OIS का सेंसर प्लस 13 MP प्लस 2 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा 16 MP का सेल्फी कैमरा।
गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 60fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080 वीडियो 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा भी इसका काफी अच्छा परफॉर्म करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसका 8x28 का जो प्राइस है वो 34,000 रुपये, 1,000 का इंस्टेंट कूपन डिस्काउंट मिल जाएगा किसी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे एंड टोटल 4,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा आपके पास ICICI का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो। देन इफेक्टिवली इसके 8x28 वाला वेरियंट आपको 30,000 में देखने को मिलेगा और 30,000 के अंदर अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज वाला एक तगड़ा स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग काफी तगड़े तगड़े स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे इस टाइम के टॉप 4 बेस्ट फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन अंडर 30,000। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा और चैनल पर नए तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को भागल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।